अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो बर्तन यहाँ मैं समेट लूँगी, बाकी सब्जी का जो सामान है वो हम ले लेंगे साथ साथ साथ। गरम गरम चाय भी पीते रहेंगे, ठंडी हवा को इन्जॉय भी करेंगे और साथ साथ जो है हम अपनी सब्ज़ी काटते रहेंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू पालक, तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हमारी छोटी सी फैमिली और यहाँ पर पी रहे हम चाय और यहाँ बना रही हूँ पालक जो है वो हमारी बिल्कुल बारीक जो है वो पालक कट चुकी है। अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। आलू पालक की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और जिसको पालक देखिए मैंने कितनी बारीक काटी है, कितनी प्यारी लगी है, वो वीडियोस पे जाएं। वीडियो पे जो है मैंने रेसिपी जो वीडियो वो मैंने अलग बनाई है। साथ ही हम पानी भर लेंगे, पानी भी भरना पड़ता है, व्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ साथ। और अब सोच रही हूँ कि मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ। तो यहाँ पर पानी भर रहा है, साथ ही साथ ये जो है पानी में बारीक ज़रात देख सकते हैं। फ़िलहाल ये पानी पीने का नहीं है, जैसे जो है बर्तन धोने के लिए है, कपड़े वगैरह धोने के लिए है। जो पीने का पानी का है वो फिल्टर वाला अलग आता है। तो यहाँ पर लगा चुकी हूँ मैं वॉशिंग मशीन, साथ ही मैंने सोचा कि कपड़े भी धो लूँ। रात में वॉशिंग मशीन लगाने का मुझे ये फ़ायदा नज़र आता है कि रात में हम लेट सोते हैं, जब लेट सोते हैं तो सोचते हैं कि लेट वैसे भी तो जागते ही हैं। तो मैंने सोचा कि गुना वॉशिंग मशीन लगा के टाइम पास किया जाए। फिर उसके बाद लग गई थी भूख, ईशान तो बहुत खुश हो रही है पिज़्ज़ा आ गया है। ईशान छोटी सी ईशान है और छोटा सा पिज़्ज़ा है, इशाल जितना है ना। तो इशाल इशाल लाइए पिज़्ज़ा नीचे जाके डिलीवरी बॉय से, है ना इशाल। चलो जी अब हम मिलते हैं आपको पिज़्ज़ा खाने के बाद। कल पालक काटी तो मेरे हाथ इतने मतलब जहाँ जहाँ मेरे हाथ पे पालक का जो था पानी था ना वो लगा है ना, तो वही वहीं से मेरे हाथ जो ना बहुत ज़्यादा काले हुए हैं। उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ना हाथ मतलब अभी भी साफ़ नहीं हुए। तो यहाँ बना रही हूँ शाल के नूडल्स। सुबह हो गई थी, नाश्ता कर लेते थे, शाम काम पे चले गए थे। दोपहर हो गई थी, दोपहर के टाइम में ये बना कर दे रही हूँ मैं शाल को नूडल्स। और शाल ने नाश्ता नहीं खाया था तो इसलिए मैंने जो है इसलिए छोटे से नूडल्स छोटू नूडल्स का जो पैकेट है वो बना दिया था। ये कि बच्चे शौक से खा लेते हैं और फिर जो मम्मा होती है ना सब उनको भी थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ने कुछ खा लिया। अच्छा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पालक काटते वक्त हाथ काले क्यों हो जाते हैं। पीछे जो ये घर बन रहा है ना, अब ये इसकी जो छत है ना ये ऊंची करवा रहे हैं, अब ये ऊंची करवा रहे हैं ना तो हमारा मतलब ये ऊपर हो जाएगा साथ साथ। तो इधर बहुत मसला भी हो जाएगा थोड़ा सा, ये कि बेपर्दगी हुआ करेगी और ये क्या घर साथ साथ पीछे की जो दीवार है वो मिल जाएंगी, तो ख़तरा भी है और नहीं भी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा हाथ भी काला हो रहा है और जो है ना ये हमारी बाइक की जो ना जो ढांचा है ना वो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी शादी की जो बाइक थी वो जल गई थी। तो मैंने सुबह से मौसम ऐसा हुआ है, बादल और धूप, पूरा दिन तो बादल हो रहे थे और अब थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है। पानी आया हुआ है ना तो सामने वाली टंकी जो है ना ये गीली हो रही है, इन लोग की टंकी भरी होगी ना इसलिए। और ये कि मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है अभी, और इशाल के नूडल्स भी जो है वो रेडी होने वाले हैं। इशाल को भी दिखाती हूँ आपको गर्मी में। मौसम तो अच्छा हो रहा है पर हब्स भी बहुत है, ऊपर का घर है, जाहिर सी बात है फौरन जो है धूप की सेक लगती है। और ये है कि नाश्ता मैं इसका दिखाती हूँ, बिल्कुल नाश्ता वाशा तो ये बिल्कुल भी नहीं करती, बड़ी मुश्किल से इसको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। खैर नाश्ता तो इसने किया नहीं, अब इसके लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ, उसको पता नहीं है मम्मा नूडल्स बना रही है। और जब यह है कि इसको पता चलेगा कि मम्मा इसके लिए नूडल्स बना रही है तो ये खुश हो जाएगी और शायद खा भी लेगी। तो चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचे। ये सुबह का चाय पापा, इसको मैंने भिगा कर रखा था इसको खिलाने के लिए पर इसने खाया नहीं, ये तो हो गया वेस्ट। इनको भी देख सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं।
नमा और ये रहे इसके पापा। पापा कहाँ चले गए? ये कहाँ गए पापा? ये रे पापा गुस्से वाले। पापा जो है ना गुस्से वाले ही होते हैं ज़्यादातर। नूडल्स रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको सर्व करके ईशाल को दे दूँगी। थैंक यू मम्मा। और ये मेरे जो है गले लग गई है नूडल्स देख कर, इसको बहुत अच्छा लगा है। नूडल्स जो हैं इसके रेडी हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, जिसमें बच्चे की खुशी। अब आपने सब फिनिश करना है। हाँ मैंने आपका नाश्ता वैसे भी वेस्ट कर दिया है, अब आप ये खा लो नूडल्स। चलिए चलो जी, ईशाल बोल रही है बहुत टेस्टी बनाया है। ओके जी, व्लॉग को करते हैं हम एंड। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो आपने जो है लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। बेल आइकन को आपने ज़रूर जो है प्रेस करना है, ताकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।